हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा सीबीएसई अजय हजारे चैनल पर फिर से वही हम प्रपोजिशंस में बाय और विद का यूज़ देखने वाले हैं। बाय का यूज़ हम कब करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह करीब पांचवा या छठवा पार्ट होगा यूज़ ऑफ बाय। जब हम मेज़रमेंट की या अमाउंट की बात करते हैं, नाप जोप की बात करते हैं, तब देखिए, शी कुड नॉट विन बाय 3 मीटर्स। वह 3 मीटर की कमी रह गई और नहीं जीत सकी। मीटर ये मेजरमेंट है। यू आर शॉर्टर बाय 2 इंचेस। यदि कहीं भाई 7 इंच मांगे गए हो और वहाँ आप 5 इंच आपकी हाइट मिली हुई हो, तो कह सकते हैं कि भाई आप 2 इंच कम पड़ रहे हो मांगी गई हाइट के हिसाब से। तो इंचेस फिर से मेजरमेंट है। एग्स आर सोल्ड बाय डजन, ये अमाउंट की बात हो रही है। बाय किलो ऐसा भी बोलते हैं ना हम। तो जब भी हम मेजरमेंट और अमाउंट की बात करते हैं, तब हम बाय का ही यूज़ उसके आगे करते हैं। नॉर्मली मैथ्स की क्लास में बच्चों हम ऐसा सुनते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई आर डिवाइड, टीचर ऐसा बोलते होंगे, आपने ध्यान से सुना होगा, 4 मल्टीप्लाई। तो जब हम गुणा भाग की बात करते हैं ना, दूसरे शब्दों में यह कहें कि जब हम गुणा भाग की बात करते हैं, तब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वस टू 8। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 8, इक्वल्स टू 8, या शॉर्टकट में हमारे टीचर्स बोलते इक्वल्स टू 8। 8 डिवाइडेड, अब डिवाइड हो रहा है, बाय व्हाट, बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। तो जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करते हैं, तब भी हमारे पास बाय का यूज़ करने को मिलता है। मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, तो उसके ठीक बाद बाय का यूज़ हम करते हैं। बाय सम स्पेसिफिक वर्ड्स, बाय इज़ यूज्ड इन बिटवीन टू वर्ड्स, जैसे ईयर बाय ईयर, साल दर साल, वन बाय वन, एक एक करके अंदर आइए, ऐसा टीचर्स को आपने बोलते सुना होगा, बिट बाय बिट। और बच्चों बाय का यूज़ उस समय भी करते हैं जब हम टाइम पूछते या बताते हैं, जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं व्हाट्स टाइम बाय योर क्लॉक या व्हाट्स क्लॉक, वो यहीं पे भी रुक जाते, परंतु हम बोलेंगे तो व्हाट्स टाइम बाय योर क्लॉक, इट्स 4 o'clock बाय माय वॉच। ठीक है, तो समय पूछने और बताने के लिए भी बाय का यूज़ करते हैं। और अब बच्चों इससे आगे हम विद का यूज़ देखते हैं। चलिए, तो बच्चे अब हम देख रहे थे यूज़ ऑफ बाय एंड विद। विद इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से तात्पर्य यह रहा बच्चों, नाइफ, एक्स, गन, ये सब इंस्ट्रूमेंट ही है। शी कट्स एन एप्पल विद नाइफ, यह बचपन से सुनते आ रहे हैं बच्चों, अपन क्लास में स्टैंडर्ड 1 से शुरू हो जाता है विद नाइफ, विद नाइफ। तो यहाँ पर नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, ही कट्स ट्री विद एक्स, यहाँ पर एक्स अगेन एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तब हम विद का यूज़ करेंगे। यू किल्ड लायन विद गन, गन अगेन हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम विद 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 का यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट जैसे ही आया तो उससे आगे विद का यूज़ करेंगे। अब आगे है विद कंपनी, संगति, साथ या अकम्पनिंग, किसी के जब साथ होता है तब भी हम विद का यूज़ करते हैं। सी इज़ विद मी, ही इज़ विद मी, ऐसा आपने सुना होगा कभी। She went to Mumbai with her mother. वह मुंबई गई उसकी माता श्री के साथ। तो अब यहाँ पर साथ की बात हो गई बच्चों, इसलिए भी हम विद का यूज़ कर रहे हैं। विद और बाय ब्रेकेट में दिया रहेगा, अब आपको चूज़ करना है कि क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो आप चूज़ करने से पहले ब्लैंक के बाद का वर्ड देखेंगे, नाउन या प्रोनाउन देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है, उस हिसाब से आप जहाँ पर, यहाँ पर अब उसके साथ की बात हो रही है इसीलिए हम विद का यूज़ करेंगे। आगे काइंडली कम विद मी, कृपया मेरे साथ आइए, यहाँ पे फिर मेरे साथ आने की बात हो रही है। टी विद मिल्क, कई लोगों को चाय दूध के साथ अच्छी लगती है, तो यहाँ पे भी चाय के साथ दूध की कंपनी हो गई कि नहीं हो गई, इसलिए विद ब्लैंक में यूज़ होगा। आगे जब हम मैनर्स की बात करते हैं, किस तरीके से, तब भी हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे द टीचर पनिश्ड द बॉय विद अ स्टिक, किस टीचर ने बच्चे को पनिशमेंट दिया, किस तरीके से दिया, विद अ स्टिक, स्टिक से। ठीक, सोल्जर्स फॉट विद करेज, सैनिक ने साहस के साथ,
किस तरीके से साहस के साथ युद्ध लड़ा या लड़ाई लड़ी। बच्चों आप देख रहे थे विद का यूज और आगे भी हम विद का यूज देख रहे हैं। कुछ और एग्जांपल देखेंगे, देखते हैं क्या 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 यूज कर सकते हैं आप, बाय यूज कर सकते हैं या विद यूज कर सकते हैं। बच्चों हम देख रहे थे यूजेस ऑफ विद। तो विद का यूज हम जब कोई रिएक्शन हो या फीलिंग्स जताई जाएं, जैसे कि आप दुखी है, खुश है, डिलाइटेड है, उस समय भी आप विद का यूज करते हैं। आर यू हैप्पी, यहाँ पे फीलिंग्स ही बताई जा रही है। विद योर इंग्लिश लेसन, क्या आप आपके इंग्लिश लेसन के साथ खुश है? तो जब आपको फीलिंग्स बताई जा रही हो, दुख या खुशी की बात बताई जा रही हो, तब भी आप विद का यूज़ करेंगे। टीचर्स गॉट एंग्री विद देम, टीचर्स गुस्सा हो गए उनके साथ में, तब भी आप, चूंकि यहाँ पर फीलिंग्स की बात हो रही है, तब भी आप विद का यूज़ करेंगे। आई एम डिलाइटेड, आई एम हैप्पी, आई एम खुश, मैं बहुत खुश हूँ। विद न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस के साथ में मैं बहुत ही खुश हूँ। तो हैप्पी, एंग्री, डिलाइटेड, इस तरह के शब्द जब आप रिएक्शन देख रहे हैं या फीलिंग्स दिखाई दे रही है, तब आप यूज़ कर सकते हैं विद का। विद का यूज़ हम तब भी करते हैं जब वी आर पजेसिंग समथिंग, वी आर हैविंग समथिंग। लाइक आई सॉ अ गर्ल विद ग्रीन आइज, आपने किसी लड़की को देखा जिसकी ग्रीन आँखें थी, हरी आँखें थी। तो गर्ल्स क्या पजेस कर रही है, क्या अपने आप में क्या रख रही है, ग्रीन आँखें। पीपल विद लॉट ऑफ मनी, विद लॉट्स ऑफ मनी, विद लॉट्स ऑफ मनी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, हैविंग, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। इट इज़ द हाउस विद बिग गेट, यह हाउस के पास में है बड़ा सा गेट। तो जब हम कभी किसी के पास पजेशन की बात करते हैं, तब भी हम विद का यूज़ करते हैं। बच्चों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, नहीं आने से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।